Dear students, in this module, we're going to talk about one of an important symbolic interactionist, C. H. Cooley, and his theory of looking-glass self. It's, a, it's an important contribution for the process of socialization. The looking-glass self refers to the idea that our sense of self develops through our interactions with other people. We imagine how we appear to others. इंटरप्रेटिव रिएक्शंस एंड देन डिवेलप आवर सेंस ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन दोज इंटरप्रटेशन्स हम क्या हैं अपने आप को किस तरह से महसूस करते हैं अपनी जो जिसको हम मैं कहते हैं वो किस तरह से डिवेलप होती है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो सी एच कूले आपको इस तरह से समझाने में मदद करता है कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने जब आप, आपके सामने आईना है और आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं तो मुआरा जो है ये असल में आपका आईना होता है और ये जैसे जैसे मुआरह आपको लेबल करता है आपको बताता है आपके ऊपर कमेंट करता है आपको जिस तरह का फीडबैक प्रोवाइड करता है वैसे वैसे आपकी सेल्फ़ की डेवलपमेंट होती रहती है द वे यू द वे सोसाइटी परसीव्स यू एंड गिव्स फीडबैक अबाउट यू इट इज़ कंसिडर्ड

हम पाकिस्तानी माशरे के अंदर अपनी क्लास के हवाले से अपनी कास्ट के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती रहती हैं किस वजह से क्योंकि माशरा इनकी सिग्निफिकेंस या इंपॉटेंस आपको फ़ील करवाता है आपको महसूस करवाता है माशरा आपके लिए चूँकि लुकिंग ग्लास सर्फ होता है आपके लिए आईना होता है आप अपना अक्स जो है उस, उस माशरे में देख के अपने आप को Uh, इस तरह से प्रसिव करते हैं कि जिस जिस अंदाज से माशरे ने मेरे बारे में जिस तरह से सोचा मुझे उसी तरह से एक्ट करना है रिएक्ट करना है बिहेव करना है और उसी तरह से मैंने अपनी शख्सियत को भी बनाना है सो कूल बिलीव दैट आवर सेंस ऑफ सेल्फ इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉलविंग एंड इज़ इंफ्लुंस बाय द फीडबैक वी रिसीव फ्राम द अदर्स तो ये स्टेगनेंट नहीं होता एक ही जगह के ऊपर ये अमल रुक नहीं जाता ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है मुशरा हमें फीडबैक प्रोवाइड करता रहता है हमारे एक्शन और प्रैक्टिस की बुनियाद पर और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस और एक्शन के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं वैसे वैसे मुशरे के फीडबैक में भी चेंजेस आती रहती हैं और उसी तरह से वो चेंजेस जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी या हमारी सेल्फ का हिस्सा बनती रहती हैं सो इन दिस अप्रोच सोशलाइजेशन इन टू द सेल्फ एंड माइंड इज़ व्यूड एज अ सोशल प्रोसेस दैट इज़ कंटिन्यूसली शेप एंड रिशेप बाई आवर इंटरेक्शंस विद अदर्स बचपन में हमारा इंटरेक्शन चूँकि लिमिटेड होता है हमारे पेयर ग्रुप हम या हमारे फैमिली ग्रुप तक महदूद होता है तो उसी तरह की पर्सनालिटी हमारी जो है वो डेवलप होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम एक्सटर्नल इन्वामेंट के अंदर आते हैं हम स्कूल कल्चर में आते हैं हम बाकी इंस्टीट्यूशन से हमारा जो है वो कनेक्शन होता है तो हमारा वो जो जज करने वाला आईना है वो वैसे वैसे एक्सपेंड होता जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंड होता जाता है तो उसी तरह से वो चीज़ें जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी और सोशल सेल्फ का हिस्सा बनती जाती हैं सो सी एच कूले बिलीव दैट सोसाइटी इज़ अ काइंड ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ़ इन विच एन इंडिविजुअल व्यूज़ हिमसेल्फ और हर सेल्फ़ एंड डेवलप्स हिज़ ऑन पर्सनैलिटी